Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में शराब के लत की वजह से 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान लोगों को शराब नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया था। कुछ लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ कौशल ने बताया कि कुरुदेदु गांव में लॉकडाउन की वजह से शराब का ठेका चंद रोज पहले ही बंद कर दिया गया था। इसके बाद शराब पीने के आदि गांव के लोगों ने सैनिटाइजर में पानी और सॉफ्ट ड्रिंक मिलाकर पीना शुरू कर दिया। सैनिटाइजर पीने से गुरुवार को ही 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 8 लोगों की मौत शुक्रवार की सुबह हुई। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सैनिटाइजर में कुछ और तो नहीं मिलाया गया था। स्टाफ को केमिकल टेस्ट के लिए भेजा गया है। इस मामले में अवैध देसी शराब माफिया की भूमिका फिलहाल सामने नहीं आई है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 3 भिखारी हैं, जबकि दूसरे लोगों में गरीब रिक्शा चालक शामिल हैं। मंदिर के पास रहने वाले 2 भिखारियों की रात में सबसे पहले मौत हुई थी, बाद में 1 भिखारी पास में ही मृत पाया गया। बाकी 7 रिक्शा चालकों को दारसी शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी मौत शुक्रवार की सुबह हो गई। दरअसल लॉकडाउन के दौरान शराब न मिलने की वजह से बहुत से शराबियों ने सैनिटाइजर को घोल कर पीना शुरू कर दिया। बाद में वो बीमार भी पड़े, इनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई। ताजा मामला सामने आने के बाद यही कहा जा सकता है कि इंसान शराब को नहीं पीता, बल्कि शराब ही इंसान को पीने लगता है। फिलहाल आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।